केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अपने इलाके में जिले स्तर पर सीरो सर्वे करने को कहा है ताकि कोरोना संक्रमण की सही स्थिति की जानकारी मिल पाए। आईसीएमआर के संपर्क में रहते हुए इस सर्वे को अंजाम देने की बात कही गई है। इससे पहले चौथे सीरो सर्वे के दौरान आईसीएमआर ने साफ किया था कि ये परिणाम राज्यों के हैं, जिले के स्तर पर इसको नहीं माना जाना चाहिए। ये मोटे तौर पर देश में संक्रमण के स्तर को दर्शाता है। इसी के मद्देनजर जमीन पर हर राज्य में क्या हालात हैं इसको समझने के लिए अब जोर जिले स्तर के सर्वे पर दिया जा रहा है और जिम्मेदारी राज्य निभाएं। चौथे नेशनल सीरो सर्वे में साफ हुआ था कि 67.6% आबादी संक्रमण के दायरे में आ चुकी है। राज्यों में कितनी फीसदी आबादी संक्रमण की चपेट में पाई गई है? मध्य प्रदेश में 79%, राजस्थान में 76.2%, बिहार में 75.9%, गुजरात में 75.3%, छत्तीसगढ़ में 34.6%, उत्तराखंड में 73.1%, आंध्र प्रदेश में 70.2%, कर्नाटक 69.8%, तमिलनाडु 69.2%, उड़ीसा 68.1%, पंजाब 66.5%, तेलंगाना 63.1%, जम्मू एंड कश्मीर 63%, हिमाचल प्रदेश 62%, झारखंड 61.2%, पश्चिम बंगाल 60.9%, हरियाणा 60.1%, महाराष्ट्र 58%, असम 50%, केरल 44.4%। मई जून 2020 के पहले सीरो सर्वे में 0.7%, अगस्त सितंबर 2020 के दूसरे सीरो सर्वे में 7.1% और दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के तीसरे सीरो सर्वे में 24.1 सीरो पॉजिटिविटी पाई गई थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।